तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो फ्री रिचार्ज पेलेटर यूपीआई वॉलेट। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हो, तो मैं ये वीडियो में आप लोगों को आज बताने वाला हूँ फ्री रिचार्ज का पैसा आप लोग अपने बैंक अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले आप लोग को लाइव प्रोसेस ही दिखाता हूँ ताकि आप लोग यहाँ से ईजी वे में आप लोग समझ जाओगे कि ये आप लोग को 100% रियल वीडियो ये होने वाला है, यानी कि मैं आप लोग यहाँ से फ्री रिचार्ज पेलेटर या फिर यूपीआई या फिर वॉलेट मैं आप लोग को यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ से आप लोग को बता दूंगा फ्री रिचार्ज में जो भी पैसा आप लोग काफ़ी इजी में यहाँ से ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो काफ़ी इजी प्रोसेस होने वाला, तो चलिए सिंपली हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग ध्यान से देखना क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को 2 से 3 ट्रिक बता देने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखो तो इजी में आप लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ से समझ जाओगे कौन सा अच्छा होने वाला है, कौन सा ट्रिक आप लोग को जो समझ में आया उससे आप लोग को इजी में आप लोग यहाँ से ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो चलिए सिंपली हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को बिल्कुल से स्किप नहीं करना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को स्किप करोगे तो आप लोग के यहाँ से समझ में बिल्कुल से नहीं आएगा और आप लोग के यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होने वाला और बाद में कमेंट करोगे कि मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो आप लोग ध्यान से देखो इजी वे में आप लोग यहाँ से ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो चलिए सिंपली यहाँ से हम हो जाते हैं बैक, क्योंकि मैं आप लोग का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आप लोग को आज बताने वाला हूँ। तो जैसे बैक होते हैं आप लोग होम स्क्रीन पर आओगे, इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो क्या करना है आप लोग को, सिंपली आ जाना है प्ले स्टोर पर। तो सिंपली हम प्ले स्टोर पे आएंगे, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ बस उस तरह से आप लोग फॉलो करते जाओ। तो सिंपली हम प्ले स्टोर पे आएंगे, प्ले स्टोर पे जैसे आएंगे यहाँ से सर्च करना है फ्री रिचार्ज। तो सिंपली आप लोग को फ्री रिचार्ज सर्च करना है, जैसे सर्च करोगे यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हो ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग यदि आप लोग को अपडेट आया हुआ रहेगा तो आप लोग को जरूर से इसको अपडेट कर लेना है। तो मैं यहाँ से सिंपली आप लोग को डायरेक्ट ओपन कर लूँगा। ओपन करने से पहले मैं आप लोग को देखते हो नीचे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, इसमें क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में आप लोग को बताया हुआ है। फर्स्ट एंड सिक्योर बे टू ट्रांसफर मनी का ऑप्शन आ रहा है और स्लाइड करते हैं तो एक कार्ड डेट रिवार्ड यू विथ एवरी स्पेंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। क्यूक रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो कहीं भी आप लोग इससे पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे क्यूक रिचार्ज यानी किसी भी तरह का यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल पोस्टपेड, इलेक्ट्रिसिटी, फास्टैग, डिटेल रिचार्ज, रेंट पेमेंट, क्रेडिट कार्ड भी पे क्रेडिट कार्ड, इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ सिंपली हम बैक होंगे, उसके बाद सिंपली इसको आप लोग को अपडेट करना है, उसके बाद सिंपली इसको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाता है जिसमें स्कैन क्यूआर, यूपीआई आईडी, मोबाइल, चेक बैलेंस टू सेल्फ अकाउंट, इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। नीचे आते हैं तो रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें आप लोग देख पाओगे मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल पोस्टपेड, इलेक्ट्रिसिटी, फास्टैग, डिटेल रिचार्ज, मोर का ऑप्शन देखने को आ जाता है। नीचे आते हैं तो काफ़ी सारा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप लोग मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हो। तो इस पर करो क्लिक, उसके बाद क्या करना है आप लोग को सिंपली प्रीपेड पोस्टपेड, इस तरह का ऑप्शन आया तो यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर, आप लोग को जो भी मोबाइल नंबर है आप लोग यहाँ से सिंपली आप लोग को इंटर करना। जैसे इंटर करोगे आप लोग को इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी आप लोग को नंबर है वो आप लोग जैसे इंटर करोगे आप लोग को यहाँ से प्लान दिखा देगा। यदि आप लोग को इसमें पैसा है तो आप लोग ये पैसा से आप लोग रिचार्ज भी कर सकते हो। यदि आप लोग को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा वेट करना। मैं आप लोग यहाँ से पहले पैसा यूज करने के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे इस पर आते हैं, यहाँ पर इस पर करते हैं क्लिक, तो यहाँ पर यू है इंटर डिटेल प्लीज सिलेक्ट करेक्ट ऑपरेटर एंड सर्किल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आप लोग को सिंपली जो भी आप लोग को रहेगा आप लोग को सिंपली यहाँ से सर्च करना, उसके बाद आप लोग को सिंपली इंटर करके आप लोग यहाँ से रिचार्ज कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोग को ट्रांसफर का प्रोसेस ही बताता हूँ। यहाँ सिंपली हो जाएंगे बैक, क्योंकि आप लोग के यहाँ से काफ़ी सारा चीज़ करने का ऑप्शन तो मिल जाता है लेकिन आप लोग को ट्रांसफ़र करने का वहाँ से ऑप्शन बिल्कुल से नहीं मिलता है। तो क्या करेंगे यहाँ से हम आ जाएंगे फिर से प्ले स्टोर में, क्योंकि आप लोग को दूसरा ऐप के थ्रू ही आप लोग को ये ट्रांसफ़र होने वाला था। यहाँ से हम बिल्कुल से कट कर लेंगे, पूरा कट कर लेंगे, उसके बाद सिंपली हम आ जाएंगे फिर से प्ले स्टोर में। तो ये पहला ट्रिक होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखना, उसके बाद मैं और आप लोग को यहाँ से ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखो तो इसमें आप लोग यहाँ से ट्रांसफ़र आप लोग भी कर लोगे। तो यहाँ सिंपली हम प्ले स्टोर पर आते हैं, आप लोगों को भी गूगल प्ले स्टोर पर आ जाना है और आने के बाद आप लोग को सर्च करना है फ्री रिचार्ज। तो सिंपली हम फ्री रिचार्ज सर्च करेंगे, सॉरी यहाँ से आप लोग को थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना, मैं आप लोग को यहाँ से अपडेट करने के लिए बता रहा था, आप लोगों को तो अपडेट करने के लिए पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ सिंपली आ जाएंगे प्ले स्टोर पर, उसका तो मैं जो ऐप बता रहा हूँ आप लोग को सिंपली वो ऐप यहाँ से आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। तो सिंपली आप लोग को ये ऐप आप लोग को इंस्टॉल करना है, उसके बाद सिंपली इसको कर लेना है आप लोग को ओपन। मेरा यहाँ देख तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप लोग को सिंपली इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद फुल केवाईसी आप लोग को करना पड़ेगा, यानी कि आप लोग को ये ऐप में आप लोग को केवाईसी भी करना पड़ेगा तभी आप लोग इससे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। काफ़ी ईजी ऐप होने वाला, तो चलिए इसको हम सिंपली ओपन करते हैं। जैसे ओपन करेंगे यहाँ से हम अनलॉक करेंगे, जैसे अनलॉक करेंगे यहाँ पर देखते हो गेट इंस्टेंट डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा है, उसके जस्ट स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे अनलॉक द वर्ल्ड भी तस्क ऑप्शन आता है। नीचे आते हैं तो काफ़ी सारा ऑप्शन आता है जिसमें फास्टैग,
सपोर्ट हिस्ट्री, बस, कैब, फ्लाइट, हॉलीडे, होटल, बिजनेस बिल, इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हम लोग को यहाँ से फ्री रिचार्ज का पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो आप लोग करना क्या पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे देखते हो काफ़ी सारा ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन आप लोग को नीचे वाला लाइन में आना है। जैसे लाइन में आते हैं यहाँ पे यूटिलिटी पेमेंट का ऑप्शन आता है, इसको आप लोग को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करोगे आप लोग को सिंगल पेमेंट ट्रांजेक्शन में मैंने बेनिफिशियरी का ऑप्शन आता है, सिलेक्ट बेनिफिशियरी का ऑप्शन आता है, ऐड न्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप लोग को कौन से बैंक पे कौन से अकाउंट पे पैसा लेना वो बैंक अकाउंट आप लोग को यहाँ से फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड न्यू का ऑप्शन आता है, सिंपली ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे आना है। उसके बाद यहाँ से अकाउंट डिटेल आप लोग को टोटल यहाँ से सही सही आप लोग को फिलअप कर देना है। तो जैसे अकाउंट डिटेल आप लोग यहाँ से फिलअप कर दोगे, जिसमें आप लोग देख सकते हो जो भी बैंक का अकाउंट नंबर रहेगा, PNB, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आप लोग को रहेगा आप लोग को यहाँ से इंटर करना है। आप लोग को कोई भी अकाउंट आप लोग को यहाँ से चलेगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, निक नेम, बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर, अकाउंट कन्फर्म, IFSC कोड, इतना करने वाला आप लोग को यहाँ से बैंक सेव हो जाएगा। बैंक सेव हो जाएगा तो फिर इसी पे आप लोग को पेमेंट यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ जो भी पैसा ट्रांसफ़र करोगे फिर इसी बैंक पे आप लोग को पैसा जाएगा। तो मेरा यहाँ पे देख तो पहले से बैंक शो कर रहा होगा आप लोग को, जो मैंने पहले से यहाँ से ऐड किया हुआ हूँ वो यहाँ से आप लोग को शो कर रहा है। तो सिंपली इसी पे आप लोग कर लेना है टैप। जैसे टैप करेंगे यहाँ पे आप लोग को अकाउंट नंबर शो कर जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। आप लोगों को कितना ट्रांजेक्शन करना है वो अमाउंट आप लोग को सिंपली यहाँ से इंटर करना है। मिनिमम आप लोग यहाँ 100 कर सकते हो, उससे ज़्यादा जितना चाहो उतना आप लोग यहाँ से कर सकते हो। जस्ट नीचे आएंगे पर्पज में देखते हो पब्लिक यूटिलिटी रिसीवर बैरियर, तो यहाँ पे इस पे करेंगे टैप। जैसे टैप करेंगे यहाँ पे ऑफर आ जाएगा, जिसमें देख सकते हो काफ़ी सारा ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे अदर में देख सकते हो नेटबैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, वॉलेट वन, वॉलेट टू, मोबीक्विक का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे वॉलेट टू वाले ऑप्शन पे आना है। जैसे आओगे यहाँ पे आप लोग को चार्ज यहाँ से मेंशन कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हो रिसीवेबल, कन्वेंशन, GST, ग्रैंड टोटल, वॉलेट टू का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे रिसीवेबल अमाउंट 873 करेगा, कन्वेंशन चार्ज 22.81, GST यहाँ पे देखते हो 4.10 आप लोग को यहाँ से लगने वाला है। ग्रैंड टोटल आप लोग यहां से देख सकते हो। उसके बाद यहां से सिंपली क्या करेंगे, यहां पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आता है, इस पे आप लोग को सिंपली प्रोसीड आगे आप लोगों को कर लेना है। जैसे करोगे यहां पे देखते हो वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन यहां से आप लोग को देखने को आ जाता है। तो क्या करेंगे, यहां पे वॉलेट का ऑप्शन आता है, वॉलेट वाले ऑप्शन पर आना है। जैसे आओगे तो यहां पे देखते हो एयरटेल पेमेंट बैंक, फ्री रिचार्ज पेलेटर, जियो मनी, मोबीक्विक, ओला मनी, पे, यस पे, वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। नीचे काफ़ी सारा ऑप्शन यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो हमें देखते हो फ्री रिचार्ज पेलेटर यहाँ पे, यानी कि फ्री रिचार्ज का ऑप्शन यहाँ से वर्क कर रहा है, तो इसी से आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो। तो क्या करेंगे, इस पर सिंपली करेंगे क्लिक। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेड का ऑप्शन आना, तो कीप मोबाइल हैंडी टू कम्प्लीट पेमेंट विथ OTP, CMI डिटेल फॉर फास्टर पेमेंट। तो यहाँ से प्रोसेड का ऑप्शन है, तो सिंपली प्रोसेड करेंगे तो प्रोसेसिंग और पेमेंट ट्रांजेक्शन ID इस तरह का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखते हो मोबाइल नंबर पे आप लोग को OTP मिलेगा फ्री रिचार्ज की तरफ से, जो मोबाइल नंबर से आप लोगों ने ये ID बनाया था उस पर आप लोग को OTP मिलेगा। तो सिंपली आप लोग को यहाँ से OTP इंटर करना है। जैसे OTP इंटर करोगे उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करोगे, आप लोग को फ्री रिचार्ज का पैसा जो भी रहेगा आप लोग यहाँ से EGB में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना फ्री रिचार्ज का पैसा EGB में आप लोग अपने बैंक अकाउंट में जीरो चार्ज में ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप लोग समझ गए हो किस तरह से आप लोग फ्री रिचार्ज का पैसा ट्रांसफर होने वाला है। तो वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं समाप्त। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।